सियासी तमाशा लगाकर आवाम की किस्मत खोटी करने वाले होश के नाखून ले लॉकडाउन और एहतजाजी मुजाहरों के जरिए तरक्की के अमल को नुकसान पहुँचाया गया। आवाम ने एहतजाजी सियासत से लाताल्लुक रहकर इन अनासर के मनफी अजायम को नाकाम बना दिया है। आम इंतखाबात से बल्दियाती इंतखाबात तक आवाम ने झूठ की सियासत के अलम मरदारों को मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ बोले कि पैदर पे शिकस्तों से भी इमरान खान ने कोई सबक नहीं सीखा। मुल्क की तरक्की के खिलाफ साजिश करने पर नियाजी साहब का नाम तारीख में स्याह हरूफ में लिखा जाएगा। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था, जब भी मुल्क की तरक्की के खिलाफ साजिशों का जिक्र हुआ तो सबसे पहले इमरान खान का नाम आएगा। अवाम की तरक्की के मुखालफीन जान लें कि उनकी मनफी सियासत का हर बार नाकाम होगा। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का बयान आप तक पहुंचा रहे हैं, जिनका कहना है कि हर रोज नया सियासी तमाशा लगाकर अवाम की किस्मत खोटी करने वाले होश के नाखून ले लॉकडाउन और एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए तरक्की के अमल को पहले नुकसान पहुंचाया गया। अवाम ने एहतजाजी सियासत से लाताल्लुक रहकर इन अनासर के मनफी अजायम को नाकाम बना दिया है। शहबाज शरीफ बोले कि आम इंतखाबात से बल्दियाती इंतखाबात तक अवाम ने झूठ की सियासत के अलम बरदारों को मुस्तरद कर दिया है। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान शेख से। अदनान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ ने जो है इस मौके पर कहा है कि जो साजिशें करने वाले अनासिर हैं उनको पहले भी शिकस्त हुई है और अब भी शिकस्त होगी, लिहाजा मुस्लिम मून जो है वो अवामी खदमत के जो एजेंडा था उस पर काम कर रही है। और शहबाज शरीफ का कहना था कि हर रोज नया सियासी तमाशा लगाकर अवामी किस्मत खोटी करने वाले जो है वो होश के नाखून लें, कभी धरने, कभी लॉकडाउन, कभी सिविल नाफरमानी और कभी एहतजाजी मुजाहरों के जरिए तरक्की के अमल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। जबकि बादशाह और आवाम ने एहतजाजी सियासत से नाताल्लुकी का जो है वो ऐलान भी किया है और इन अनासर के मनफी अजायम को जो है वो नाकामी बनाया है। शहबाज शरीफ का कहना था कि आम इंतखाबात से लेकर जिमनी और बल्दियाती इंतखाबात में आवाम ने झूठ की तरक के इलम बरदारों को मुस्तरद किया है और पे दर पे शिकस्तों से भी नियाजी साहब ने कोई सबक नहीं सीखा। शहबाज शरीफ का कहना कि मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली के खिलाफ साजिश करने के हवाले से नियाजी साहब का जो नाम है वो तारीख में स्याह हरूफ से लिखा जाएगा और जब भी मुल्क की तरक्की के खिलाफ साजिशों का जिक्र हुआ तो सबसे पहले उनका नाम आएगा। और शहबाज शरीफ का कहना है कि आवाम की तरक्की के मुखालफीन जान लें कि उनकी मनफी सियासत का हर बार नाकाम होगा। जी बहुत शुक्रिया अदनान हमें अपडेट करने के लिए।